हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो। ये वीक मार्केट के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रहा, जहां निफ्टी और सेंसेक्स एक माइनर कट के साथ क्लोज हुए। एसबीआई की लीडरशिप में पीएसयू बैंक ने रैली को लीड किया, व्हाइल प्राइवेट बैंक्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग। इस वीक हमें घरेलू और विदेशी स्तरों पर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से डील करना पड़ेगा। हमारे आईआईपी और रिटेल इन्फ्लेशन नंबर फरवरी 12 को रिलीज़ होंगे, जबकि डब्ल्यूपीआई नंबर फरवरी 14 को आएंगे। यूएस सीपीआई नंबर्स फरवरी 13 को आएंगे, जबकि उनके रिटेल सेल्स नंबर फरवरी 15 को अनाउंस होंगे। इन सब के बीच यूएस बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट पर फोकस होगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल के मूवमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आने वाले कैश का भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। टेक्निकल चार्ट्स पर निफ्टी 22,000 से 22,125 की जोन में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हालांकि ये अपने 20 डीएमए को 21,650 के लेवल के आसपास प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये अपने 20 डीएमए से नीचे गिर जाता है तो अगला सपोर्ट लेवल 50 डीएमए का 21,450 के लेवल पर होगा। ऊपर की ओर अगर ये 22,125 के लेवल को पार कर जाता है तो 22,222 और 22,350 नेक्स्ट टारगेट लेवल होंगे। बैंक निफ्टी अपने 200 डीएमए को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो लगभग 44,800 के लेवल पर है। हालांकि 20 डीएमए एक हर्डल के रूप में काम कर रहा है, जो लगभग 46,000 के लेवल पर है। अगर बैंक निफ्टी 20 डीएमए के ऊपर टिक जाता है तो हम 47,000 के लेवल की ओर एक शॉर्ट कवरिंग रैली का इंतज़ार कर सकते हैं। वाइल 200 डीएमए मूव कैन लीड टू मोर प्रेशर टुवर्ड्स द 44,000 लेवल। नाउ पिक ऑफ दिस वीक इज एसबीआई। You may buy it at CMP of 725 with SL of 700 for the target of 777. So that's all for this week. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.